कैसे मित्रों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और अलादीन पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका था इस बार फिर मैं आपका वेलकम करता हूं इसका इसका पहला पार्ट मैंने बना हुआ था आप ज़रूर से देखें बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है अलादीन ये स्टोरी एक गेम खेलने से शुरू होती है और उस गेम में एक कैरेक्टर अपने आप खुद से ही ज़िंदा हो जाता है ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये कवर और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे कुछ लोग भाई लोग आप लोग के सपोर्ट से सब कुछ अच्छा चल रहा है इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बना करके कर रखिए आप लोग ताकि छोटे यूट्यूबर्स भी ग्रोथ कर सकें और सपोर्ट करेंगे मित्रों मेरे लिए कॉमिक्स वीडियोस बनाने के साथ मैंने बहुत कुछ सोचा है गेम्स पर बनाना वीडियो नॉवल वगैरह आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है तो ये आदमी उस जीव के हमले में मारा जाता है काफ़ी आगे तक ही मैं स्टोरी अपलोड कर चुका हूँ इसका फर्स्ट पार्ट मैं अपने यूट्यूब पहले भी बना चुका हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है पुलिस थाने द्वारा ये लोग भाग निकलते हैं चूँकि ये मोशन सेंसर्स द्वारा ज़िंदा रहते हैं निकलते हैं बार बार ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अला दिन का सलाम कबूल करें ये अजीब व ग़रीब भी ये लिखा हुआ है ये हाई स्पीड धाकती बुलेट्स मेरी गामा फोटोन इमेज में इंटरफेरेंस कर रही है और यह समस्या सिर्फ तभी दूर होगी जब इनको चलाने वाले हाथ हिलने के काबिल नहीं होंगे तो ओवरऑल इसकी स्टोरी बड़ी अच्छी है थोड़ी सी और फैंटेसी और पिक्चर्स को और थोड़ा छोटा बनाया जाता और इस तरह से थोड़ा सा तो ज़्यादा अच्छी लगती ध्रुव की अचानक एंट्री होती है यहाँ पर और अशक अनुरूप ध्रुव इन्हें पराजित करने में कामयाब हो जाते हैं मैं जिंदा नहीं हूँ जो तुम मुझे मार सको पर चिंता मत करो कुछ ही पलों में तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे पहले बनोगे लाश और फिर दीवार की तस्वीर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बताना शुरू करता है अलादीन के बारे में कि अलादीन गेम उसका फादर ने बनाया था और उसमें कुछ ऐसे सेटिंग्स उसने किए थे कि जो उसमें प्लेयर्स रहते हैं वो ज़िंदा हो जाते हैं ये कोई फोटोन सिंह के पास ध्रुव आता है जो कि उससे बदतमीजी से बात करता है ध्रुव से यहां इसके बाउंसर्स में कुछ अजीबोगरीब चेंजिंग हो जाती है जिससे कि वह ध्रुव पर आक्रमण कर देते हैं ये लोग अब अलादीन अपनी पावर का क्षेत्र बढ़ा रहा है जल्दी बताइए कि वह कहाँ पर मिल सकता है म, मैं नहीं बता सकता मैं बताता हूँ फोटोन सिंह किसी इमारत के टॉप फ्लोर पर बने पेंट हाउस में है जैसा कि आप स्टोरी अरेबियन नाइट्स में जानते होंगे अलादीन के पास हमेशा एक जादुई कंबल रहती है जिस पर कि अलादीन हमेशा उल्टा रहता है ये एक एक्सेप्शनल बात है जो दुनिया भर के हर एक बच्चे को पसंद आती है कि अलादीन के पास जो जादुई कानून है उस पर दुनिया भर के बच्चे उड़ना चाहते हैं काश कि हमारी साइंस इतनी डेवलप हो जाए कि उस तरह के एक कालीन बन जाए कुछ भी करो कुछ भी हो अलादीन को रोकना तो पड़ेगा ही चाहे फोटोन सिंह खुद हो या उसे लेने जा रहा हो क्योंकि फ़ोटोन सिंह अब मुझे सबसे महत्वपूर्ण करी लग रहा है ऐसे तुम उसको नहीं रोक सकते उसके बार का जवाब तुमको उसके स्तर पर जाकर ही देना होगा पर वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है उसका जवाब हम कैसे देंगे यह कला जानने वाला वह अकेला नहीं है थोड़ा बहुत तो मैं भी जानता हूँ जिन्न सुलेमान ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर यह गजब का एक कैरेक्टर दिख रहा है जो मास्टरपीस बना दिया है कॉमिक्स वालों ने कभी कभी राजकुमार कॉमिक्स अच्छी चीज़ों को बना देते हैं बड़ी अच्छी एक सीन चल रही है उसको मैं आपको स्टोरी मोड में सुना देता हूँ यहाँ पर ध्रुव की फाइट होती है जिन सुलेमान से तो जुन सुलेमान उसे ट्रैप कर लेता है और यहाँ देखिए यहाँ से स्टोरी होती है होश तो तब उड़ेंगे जब गोला टकराने के वक्त मैं धमाके को यहाँ मिलूँगा क्योंकि मोशन सेंसर्स के कारण मैं गामा रेस पे बनी सतह पर चल पा रहा हूँ पर अब धमाका होगा तो यहाँ से आधे किलोमीटर तक की हर चीज़ नष्ट हो जाएगी यही गेम है यही गेम का रूल है तो सवाल ये है कि अगले तीन सेकंड के अंदर तुम बिना अपने कालीन के आधा किलोमीटर की दूरी कैसे तय करोगे यह दूरी तुम मुझे खुद तय कराओगे मैं मैं तुम्हारा ग़ुलाम नहीं हूँ मेरा ग़ुलाम नहीं हो पर गेम के तो नियमों के तो बंधे हो जबरदस्त सीन इत इतने तो इसने तो पीछे जाने के लिए प्लेन की एयर प्लास्ट को यूज़ कर लिया या तो आधे सेकंड में वही पहुंच गया जहां से हम चले थे देखा रे रहे अंकल देखा आप समझे कि मैंने ध्रुव को आपकी कीमती वायरलेस मौसम सेंसर्स का जाल क्यों पहना है देखा पर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कालीन के अलावा तुम्हारी ए की कोई प्रोग्रामिंग की कोई झलक नहीं मिली मिली अंकल ध्रुव को मैंने सब समझा दिया है जरूरत पड़ी तो वह उसका इस्तेमाल जरूर करेगा हर गेम प्रोग्रामिंग किसी न किसी नियम पर आधारित होती है और तुम्हारा वह नियम मैं समझ गया हूँ सुलेमान वह अलग अलग गति पर चलने वाले प्लेन ही मुझे इस गेम लेयर के अंत तक यानी अलादीन और सिंह तक लेके जाएंगे बस मुझे इन पर होने वाले लगातार हमलों से बच चलना है गेम तो यही है और बीच गेम से मैं कोई रूल भी नहीं बदल सकता पर इस गेम की एक लेयर और भी है लैंप बॉट्स इसमें पावर्स भी मौजूद है और ख़तरे भी ये गेम के रास्ते में तुम्हारी तरफ आते रहेंगे और तुमसे टकराते रहेंगे बच सको तो बच लो उफ एक नई समस्या। रियल वर्ल्ड में अपराधियों से निपटना ज़्यादा आसान है गड़बड़ तुम तो बचते जा रहे हो अरे कुछ तो चैलेंज लो ओफ ये तो चीटिंग है अब तोप का कोई ना कोई गोला इस प्लेन से जरूर टकराएगा और तुम्हारे लिए गेम ओवर हो जाएगा तो मैं खेलूँगा मैं कोई गेम नहीं खेलना हो अगर तुम्हें हराने के लिए खेलना है तो मैं खेलूँगा इस गेमिंग लेयर की कोई भी चीज़ चाहे प्लेन हो या तो तुमसे प्रतिक्रिया नहीं करेगी क्योंकि तुम दोनों ही एक कोडिंग से बने हो लेकिन मेरी चाहे गामा इमेज का इन चीज़ों पर कोई असर नहीं होगा देखा रहे कल आपके मोशन सेंसर सिस्टम में ए का कोड मिलाने का रिजल्ट है सुपर यानी ए का सॉफ्टवेयर डुप्लीकेट इमेज भी प्रोजेक्ट कर सकता है और तब तक अलादीन फोटोन सिंह तक पहुंच जाएगा लो ऊपर जाने के रास्ते को ढकने वाली गेमिंग लेयर गायब हो गई है शायद अब अलादीन को अपना पूरा जोर बाहर लगाना पड़ रहा है अब हम भी लिफ्ट से नहीं सीढ़ियों से तो ऊपर पेंट हाउस तक आ ही सकते हैं लिफ्ट में खतरा हो सकता है To chalo. तो फोटोन सिंह भी यहाँ पर असली अपराधी निकला इन पेजेस में क्या घटित हुआ मैं आपको बता देता हूँ वो कैरेक्टर्स हारने के बाद जो है कि फोटोन सिंह के पास जाता है जहाँ पे एक पागल आदमी मिलता है इसे और उस पागल आदमी के बारे में जानकारी लेने पर पता चलता है कि वो अलादीन का जो गेम था वो तीन लेयर तक खेल चुका था तीसरे लेयर को खेलने में वह पागल हो गया था इन पेजेस में पता चलता है अब इसके आगे की स्टोरी देखते हैं इसमें तब ध्रुव उससे पूछता है कि उस कैसेट को कहाँ पर रखा गया है तो वो व्यक्ति बताता है कि उस कैसेट को कबाड़ी वाले के पास उसने दे दिया था